इमरजेंसी में जा रहा है, ये भी इमरजेंसी में जा रहा है, ये देखिए इमरजेंसी ऑटो है, ये रास्ता बंद कर दिया गया गाड़ी का मेरे, और ये इमरजेंसी ऑटो है रैम। सर आयुष्मान हाट से जाना सर मुझे, यहाँ का क्या आप जी? हाँ, अच्छे से मैं आयुष्मान हॉस्पिटल जा रहा हूँ सर। हाँ, सर ऑटो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे, बोलिए आप। सर मेरे पेशेंट है क्या? सर आगे ऑक्सीजन सिलेंडर है क्या? हाँ है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है ना सर। पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। इस कोरोना काल में कई ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जो इस आपदा को अवसर में बदल ले रहे हैं, जैसे दवाइयों की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो लोग प्लाज्मा मांग रहे हैं, प्लाज्मा देने के बदले पैसों की मांग कर रहे हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, और कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो सड़कों पर रह करके निस्वार्थ लोगों की मदद करना चाहते हैं। ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं सोशल मीडिया से, जिसको देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग सलाम कर रहे हैं। पर अब ये चीजें सरकार को अखरने लगी हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था अपने कई वीडियो में कि जिस तरीके से मुसलमान हर जगह पर लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, वो बिना निस्वार्थ के मदद कर रहे हैं, वो जानते हैं कि उनके ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे, वो जानते हैं कि उन्हें फर्जी तरीके से इस फांसीवाद सरकार द्वारा फंसाया जाएगा, वो फिर भी लोगों की जान बचाने के लिए सड़कों पर इधर से उधर भाग रहे हैं। ऐसा ही किया गया है जावेद खान के साथ, वही जावेद खान भोपाल के, जिन्होंने अपने ऑटो को एम्बुलेंस में बना लिया, क्योंकि जो तस्वीरें देश की सामने आई उसमें लगातार लोगों की जाने जा रही थी। ये देख करके वो अंदर ही अंदर टूट रहे थे, पत्नी से जेवर मांगे, पत्नी के जेवर बेच करके उन्होंने अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर लिया, ऑक्सोमीटर रखा, ऑक्सीजन सिलेंडर रखे, जहां से भी कॉल आई वो उनके लिए भागते हुए नजर आए, फ्री में लोगों को सेवाएं दे रहे थे। पर अब ये शिवराज सिंह चौहान की संघीय सरकार को रास नहीं आया है, तो जावेद खान के ऊपर FIR दर्ज करा दी गई है और जावेद खान को गिरफ्तार भी किया गया लोगों की मदद करने के लिए। एक वीडियो सामने आ रहा है, इस वीडियो पर पहले नजर डालिए। इमरजेंसी में जा रहा है, ये भी इमरजेंसी में जा रहा है, ये देखिए इमरजेंसी ऑटो है, ये रास्ता बंद कर दिया गया गाड़ी का मेरे, और ये इमरजेंसी ऑटो है रैम। सर आयुष्मान हॉट से जाना सर मुझे, आयुष्मान हॉस्पिटल जा रहा हूँ सर। हाँ, जा रहे सर मेरी गाड़ी, मैंने ऑटो एम्बुलेंस बनाया था, हम नहीं अलाउ कर रहे सर। ऑटो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे, बोलिए आप। सर मेरे पेशेंट है क्या? सर आगे ऑक्सीजन सिलेंडर है क्या? हाँ है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है ना सर। दोस्तों आपने देखा कि जावेद खान की ये वीडियो सामने आई है, जहाँ वो एक हॉस्पिटल में पहुंचने वाले थे, लोगों की कॉल उनके पास आई थी, उनके ऑटो को देख करके रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया और ये कहा गया कि आप नहीं लेके जा सकते। एक पुलिस अधिकारी उधर से आ रहा है और जब पूछा जा रहा है कि साहब ये इजाजत मांग रहे हैं, क्या करना है, तो साफ तौर पर पुलिस वाला पूछता है कि क्या ऑक्सीजन लगा हुआ है। उसने बोला ऑक्सीजन लगा हुआ है, तमाम परमिट जो लेने थे वो भी जावेद खान के पास मौजूद थे। तो संघी मानसिकता के इस अधिकारी ने ना तो जावेद खान को हॉस्पिटल जाने दिया, जो लोगों की जान बचाने के लिए वहां जाना चाहता था, बल्कि उल्टा उन्हें पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। सोशल मीडिया पर पत्रकारों ने जावेद खान का स्टैंड लेना शुरू किया और उन्होंने लिखा कि वाह भोपाल पुलिस, जावेद खान जिन्होंने अपने ऑटो को टेम्पररी ऑक्सीजन मुक्त एम्बुलेंस बनाया और लोगों को फ्री सेवा दे रहे हैं, उस पर झोला पुलिस ने कार्रवाई कर धारा 188 के तहत FIR दर्ज की है।
मदद करने वाले आयुष्मान हॉस्पिटल जा रहे थे। इसी के साथ साथ एक दूसरा ट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया कि बीवी का जेवर बेच करके लोगों की भलाई करने वाले जावेद खान को झोला थाना प्रभारी ने बिना अनुमति के ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर घूमने को लेकर डाटा। सूत्रों के अनुसार डीआईजी के निर्देश के बाद पुलिस ने जावेद खान को छोड़ दिया है। सोचिए, जो इंसान इंसानियत की मिसाल कायम कर रहा था, उसे भोपाल के संघी मानसिकता के पुलिस अधिकारियों ने शर्मसार कर दिया है। ये वही बात हुई कि नेकी कर दरिया में डाल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि मुफ्त सेवा करने वाले जावेद खान को जिस तरीके से डांटा गया, उनके ऑटो को जब्त किया गया, ना कि बजाबता ऑटो को जब्त किया गया, जावेद खान को भी जेल की सलाखों के पीछे डालने की कोशिश की गई। डीआईजी के निर्देश के बाद जावेद खान को छोड़ा गया है। ये हाल है मध्य प्रदेश के संघीय मानसिकता वाले पुलिस अधिकारियों का, जो ये खबर देख करके जिनके दिल धड़क रहे हैं कि सड़कों पर मुसलमान जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मुसलमान लोगों की जान बचाने के लिए कभी अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके लोगों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं, ये चीजें रास नहीं आ रही हैं। और मध्य प्रदेश से ही कई खबरें ऐसी भी सामने आई जहां हिंदू लोगों के शवों को परिवार जनों ने लेने से मना कर दिया, आखिरी रस्म निभाने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे। उसी मध्य प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के दो नौजवान सामने आते हैं, 60 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे रस्मों को पूछते हैं, जानते हैं और परिवार वालों को ये चीजें दिखा रहे हैं। पर इन सब के बावजूद इंसानियत को शर्मसार किया गया मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस द्वारा, और भोपाल पुलिस लगातार मुस्लिम विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दे रही है, और यही काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि एक से बढ़कर के एक मध्य प्रदेश से खबरें सामने आ रही हैं, पर उसके ऊपर कार्रवाई करने के बावजूद ये लोगों के दिलों में डर पैदा करना चाहते हैं, जिससे लोग आगे ना आए और लोगों की मदद ना कर पाए। यह मध्य प्रदेश से हैरान कर देने वाली खबर लेकर के मैं आप लोगों के सामने जुड़ा था। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।